ढिंचाक पूजा सोशल मीडिया पर कहर बरपा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन है। हम आपको बताएंगे आज इंटरनेट की दुनिया में दिलों के स्कूटर से सनसनी मचाने वाली शूटर के बारे में, जिसने YouTube चैनल पर हंगामा मचा रखा है। दिलों का स्कूटर गाने के साथ इंटरनेट की दुनिया में उतरी है ढिंचाक पूजा। इनका रुतबा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। स्वैग वाली टोपी, दारू दारू और सेल्फी मैंने ले ली आज जैसे सॉन्ग्स गाने वाली पूजा काफी हिट हैं। ढिंचाक पूजा के दिलों का शूटर गाने को लेकर इंटरनेट पर कई तरह के मजाक भी किए जा रहे हैं और कई फनी वीडियोस भी शेयर किए जा रहे हैं। इस गाने पर जो रिएक्शन वीडियो तैयार किए गए हैं, उनमें शाहरुख खान, सलमान खान और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिएक्शन भी शामिल है। लेकिन सबसे ज्यादा जो वीडियो सुर्खियां बटोर रहा है, वो है शाहरुख खान की फिल्म चक दे इंडिया और पूजा के गाने को मिक्स करके बनाया गया मैशअप वीडियो। ये वीडियो सोशल साइट पर काफी वायरल हो रहा है। एक्ट्रेसेस खूबसूरती बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। इसका अंदाजा हाल ही में सामने आए एक्ट्रेस उर्वशी रावतेला के ब्यूटी ट्रीटमेंट से लगाया जा सकता है। उन्होंने ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए कपिंग थेरेपी को चुना है। कपिंग थेरेपी एक तरह की चाइनीज रिलैक्सेशन थेरेपी है। इस थेरेपी के दौरान दर्द भरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिसके जरिए शरीर के अंदर की गंदगी को बाहर निकाला जाता है और स्किन टिश्यूज को ऑक्सीजन और दूसरे तत्व देकर गहराई और आराम पहुंचाया जाता है। ये दर्दनाक थेरेपी होती है, जिसमें एक्यूपंचर स्पेशलिस्ट कॉटन के गोले को पहले शराब में भिगोते हैं। इसके बाद इन गोलों को कांच से बने छोटे ग्लास या कप में रखकर इसमें आग लगा दी जाती है और फिर इस आग को बुझाकर गर्म बर्तन को तुरंत ही स्किन पर रख दिया जाता है। ये थेरेपी विजय बानी ने भी यूज की हुई है। अभिनेत्री सेलिना जेटली और उनके होटल व्यवसायी पति पीटर हैक के घर एक बार फिर से जुड़वा बच्चों की किलकारियां सुनने को मिलेंगी। इस साल अक्टूबर में उनके जन्म लेने की संभावना है। हाल ही में सेलिना ने अपने बेबी बम के साथ फोटो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की है, जिनमें वो बिकिनी पहने नजर आ रही है। 35 वर्षीय ये अभिनेत्री पहले से ही 5 साल के जुड़वा बच्चों विंस्टन और विराज की माँ है। सेलिना का कहना है कि वो उस वक्त चौंक गई थी जब उन्हें पता चला कि वो एक बार फिर से जुड़वा बच्चों को जन्म देने वाली हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेसेस हमेशा से ही अपने बोल्ड एंड सेक्सी सीन्स के कारण लाइमलाइट में रही हैं। अब चाहे बात हो फिल्म में किसी बोल्ड सीन की या फिर प्रोफेशनल फोटोशूट की, ये एक्ट्रेसेस हमेशा ही चर्चा में बनी रहती हैं। असल में आज हम बात कर रहे हैं उन एक्ट्रेसेस की, जिन्होंने तौलिए में हॉट फोटोशूट करवा कर अपनी खूबसूरती के जलवे बिखेरे हैं। इनमें से बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन, रीमा सेन, परिणीति चोपड़ा, उदिता गोस्वामी, जैकलीन फर्नांडिस, वीणा मलिक, काव्या सिंह, असिन और काजोल जैसी अभिनेत्रियों के नाम शामिल हैं और उनकी ये तस्वीरें उनके हॉट बदन को तौलिए में छुपा रही हैं। हमेशा एक्ट्रेस को साड़ी या सूट में ही देखा गया है, लेकिन ये एक्ट्रेस रियल लाइफ में काफी बोल्ड है। सारा ने अपना करियर सपना बाबुल का विदाई टीवी सीरियल से शुरू किया था। टीवी से अपना करियर शुरू करने वाली एक्ट्रेस सारा खान ने बोल्डनेस की सारी हदें पार कर दी हैं। सारा का बेहद हॉट फोटोशूट सामने आया है। इस लिस्ट में श्वेता तिवारी भी पीछे नहीं है। श्वेता ने भी बिकिनी फोटोशूट करवाया है। बॉलीवुड में साड़ी बदनाम हो गई है और साड़ी को बदनाम करा रही है। जी हाँ, छोटे पर्दे की हिट बहू बॉलीवुड में अपनी नई पारी की शुरुआत कर रही है, लेकिन बड़े पर्दे पर आते ही श्वेता की साड़ी ने सनसनी फैला दी है। ठीक उसी तरह जैसे जीना तमान, मंदाकिनी और शिल्पा शिरोडकर की साड़ी ने भी हंगामा मचवाया था। छोटे पर्दे की हिट बहू ने बड़े पर्दे पर एंट्री कर अपनी नई पारी की शुरुआत की। श्वेता ने आते ही बिकिनी फोटोशूट करवा कर सनसनी फैला दी थी। इसके बाद टीवी पर अपनी बोल्ड इमेज बनाई। बिग बॉस प्रतिभागी अभिनेत्री और मॉडल करिश्मा तन्ना इन दिनों खूब सुर्खियों में चल रही हैं। हाल में उनके अंडरवेयर की एक एड और हॉट बिकिनी वीडियो के बाद एक नई चौंकाने वाली वीडियो सामने आई है। बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर की अभिनेत्री चेरी चौहान बिकिनी में नजर आई। श्वेता सालवे और अभिनेत्री विभा आनंद ने भी बिकिनी में अपने जलवे बिखेरे हैं।
अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज़ देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।